लास्ट चेक वीर पंजाब से भावी बदलाव हुआ और विकास के मुद्दा पे काम करने के लिए नव निर्वाचित मुखिया नेहा कुमारी के प्रतिनिधि सुजीत कुमार जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा और जनता जनार्दन के बीच में विकास करेंगे और विकास के ही ऊपर काम होगा, विकास मेन मुद्दा रहेगा, हर एक भाइयों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जनता जनार्दन का जो भी काम बाकी है वो काम पूरा किया जाएगा और जनता जनार्दन के ही समर्थन से यह जीत दर्ज किया गया और जनता के लिए यह काम करते रहेंगे, विकास ही मेन मुद्दा रहेगा, विकास के ऊपर काम होगा, जनता के लिए समर्पित रहेंगे, हर एक भाइयों के साथ मिलकर के जनता जनार्दन के समस्याओं को समाधान किया जाएगा और जनता के लिए काम करते रहेंगे, जनता का मेन मुद्दा को समझेंगे और उसके बाद ग्राम सभा भी लगाया जाएगा विकास के लिए और हुल्लासक वीर पंचायत से जनता के भारी मतों से सहयोग के कारण वहां पे बदलाव हुआ, क्योंकि जनता जनार्दन ने सीधा मन बना लिया था कि इस बार बदलाव करेंगे और बदलाव करने का मेन मुद्दा था क्या कि मौजूदा मुखिया जी जो थे उनके द्वारा कोई विकास नहीं हो पा रहा था, तो जनता जनार्दन ने सीधा मन बनाया कि इस बार हम बदल करके नए प्रत्याशी को लाएंगे और नए प्रत्याशी को लाने का एक ही काम रहेगा कि विकास ही मेन मुद्दा है, नल जल योजना, इंदिरा आवास योजना और शौचालय और वृद्धा पेंशन, यह सारे काम को किया जाएगा क्योंकि शिक्षित मुखिया जी को लाया गया है और शिक्षित मुखिया जी बदलाव करके ही दिखाएंगे और बदलाव काम इस तरह से करेंगे कि जनता जनार्दन का जन से लाभ देखने को मिला, जनता जनार्दन सीधा चाह रही है क्या कि इस बार जो बदलाव किया गया है, मेन बदलाव करने का कारण है कि वीर हुल्लासक पंचायत में कि जो मुखिया जी थे उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ और उस काम को पूरा करने के लिए नव निर्वाचित मुखिया जी को लाया गया, हुल्लासक वीर पंचायत के वासियों का बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिला और वहां के जितने भी जनता जनार्दन का सहायता मिला, यह सहायता देखने को लगा कि आज काउंटिंग के दौरान भी जनता जनार्दन इनके समर्थन में थे, जनता जनार्दन इनके साथ में थे और जनता जनार्दन इनके साथ हमेशा खड़े उतरे हैं, जनता जनार्दन के लिए यह खुद भी तत्पर हो गए कि जनता जनार्दन चाह रही है कि इस बार जो काम होगी उस काम को देखने को मिलेगा, हुल्लासक वीर पंचायत में शिक्षित उम्मीदवार को जीत दर्ज हुआ। नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और भारी मात्रा में जीत घोषित हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि जनता जनार्दन का बहुत ही ज्यादा समर्थन हुआ और इनके प्रतिनिधि सुधीर जी से भी बात करेंगे कि क्या क्या एजेंडा रहेगा, किस मुद्दे पे इतना भाषा है, इतना धर्म है, इन सब साथ रहते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा पंचायत पूरी तरीके से एक होकर चले, कोई भी जाति पाति का भेदभाव न करे और मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान हूँ और प्रत्येक व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि काम करूँ और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक होकर के हमें समर्थन किया है, वही इसका और भी हम विकास करें ताकि और आ रहे हैं 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे, हंसी खुशी रहे और एक मिलन हेलो बना रहे तो बोलिएगा। हमने नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चल रहे हुल्लासक वीर में भावी मुखिया प्रत्याशी नेहा कुमारी जी का 2659 वोट आया, भारी मतों में विजय हुआ और जनता जनार्दन सिन्हा विकास के लिए यहां पे परिवर्तन किया गया, इसी बीच इनके प्रतिनिधि हैं सुजीत जी से हम बात करेंगे कि क्या क्या एजेंडा रहे, कैसे विकास करें, विकास की घंटी आपने बजा दिया और अब जनता के बीच में कैसे समर्थन देंगे, सर नमस्ते, कैसे समर्थन देंगे, विकास की घंटी बजाना है वीर हुल्लासक में से बता रहे क्या हमारे समाज में क्या है, क्या कारण है जिसके कारण हमारे समाज में विकास नहीं हो रहा है, हमारे पंचायत में हमने काफी संघर्ष करने के बाद सोचा हूँ कि आज तक इतना 20 सालों में जितना
शारदा सिंह जी बोलिएगा। और विश्वास और भरोसा जनता का भीड़ खाली कीजिए। जनतावासियों को आप क्या संदेश है? जनतावासियों के लिए समर्थन मिला है, जनतावासियों ने आपके जनसंपर्क की आत्मा ने सहयोग दिया, विकास के मुद्दा पे बात करना बड़ी जब विकास का काम करेंगे तो आप किस तरह से काम करेंगे? सीधा इनका एक ही कहना है क्या कि विकास काम को पूरा जनतावासियों का सबसे बड़ा धन्यवाद था, इसलिए वीर हुल्लासे के जनतावासियों को और विकास अब होगा और इस विकास में हम और बात करते हैं। से बताया जाए एक मतलब हम अपना विचार देना चाहते हैं और पूरे पंचायत में, क्योंकि पंचायत स्तर का अभी हमारा स्थान है, इसलिए मैं पंचायत स्तर पर यही कहना चाहूँगा कि जनता जितना ज़्यादा संगठित रहेंगे, जितना ज़्यादा सामाजिक होकर के किसी बात को रखेंगे उतना ही ज़्यादा उनका विकास होगा, क्योंकि जब तक संगठित, जब तक एकता नहीं रहेगा तब तक विकास होगा।
इसलिए जरूरी है कि आपसे भेदभाव को खत्म करते हुए सामाजिक जो भी काम इसमें सब लोग एक मत रहें, सामाजिक होकर के एक निर्णय लें। यदि कुछ दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो पूरे समाज बैठकर उसका निष्कर्ष निकालें और बिना शांति से कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो जबरदस्ती करके उसमें विजय पा सकते हैं, बल्कि शांति से बिना बातचीत का कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जब जनता ने हमें विश्वास दिया है तो हमारे जो भी हमें कोई भी समस्या है, हम उस चीज को शांति से पूरे समाज के साथ बैठ कर उसका निष्कर्ष निकालेंगे और समाज के प्रति बेहतर निष्कर्ष निकालेंगे और चाहेंगे।